नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टेलिन के बेटे उदयनिधि स्टेलिन की गई टिप्पणी से वाद विवाद अभी भी जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच डीएमके के सांसद ए राजा के सनातन धर्म पर दिए गए बयान ने भी सियासी पारा को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। बीजेपी के दोनों नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया, वहीं डीएमके चीफ एमके स्टेलिन के विवाद के लिए बीजेपी को फिर से घेरा और कई बातें सामने निकल कर आईं। दर्शकों, आपको बता दें कि डीएमके नेता ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से की जानी चाहिए, जिसके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टेलिन के तो मलेरिया और डेंगू से तुलना करके विनम्रता दिखाई है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच सीएम एमके स्टेलिन ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि अपने बेटे का बचाव किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समर्थकें ताकतें दमनकारी और सिद्धांत के विरुद्ध उदयनिधि के रुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और गलत विमर्श फैला रही हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि उनके सनातन विचारधारा वाले लोगों के जनसंहार आह्वान को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह कई अन्य लोगों में वही झूठ दोहराया गया और उदयनिधि की निंदा की स्टेलिन के आगे कहा गया कि अगर हम चंद्रयान की चंद्रमा पर लॉन्चिंग भी कर देते तो भी कुछ लोग जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना जरूर जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के डीएमके और विपक्ष पर हमला जारी रखा है। यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी नाम लिए सनातन धर्म सत्ता पर जीवियों से नहीं मिटने वाला, जो सनातन नहीं मिटा था वो रावण से अहंकार, जो सनातन नहीं डिगा कंस का हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, उसे सनातन धर्म पर कोई क्या मिटा पाएगा। दर्शकों, आप देख लीजिए कि किस तरीके से दोनों तरफ जो है वाद विवाद शुरू हो गया है धर्म के नाम को लेकर। सनातन धर्म पर एमके स्टेलिन के बेटे ने टिप्पणी की और उसके पलटवार में कई नेता सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जो बाबर ने नहीं मिटा पाया, जो रावण और कंस नहीं मिटा पाए, उन्हें ये लोग क्या मिटा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स।